मौका कोई भी हो, उसे खास बनाना कोई भारतीयों से सीखे। और जब बात अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने की हो, तो भला कोई जश्न मनाने से कैसे पीछे रह सकता है। अपने शाही अंदाज वाली सवारी के लिए मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स जब दिल्ली से धीरों की धरती जैसलमेर पहुंची, तो इन सैलानियों का स्वागत कुछ ऐसा हुआ कि विदेशी सैलानी खुद को रोक नहीं पाए। पारंपरिक परिधान में पहुंचे राजस्थानी कलाकार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। विदेशी मेहमानों पर पुष्प वर्षा हो रही है। फूलों की माला पहनाकर माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। सुसज्जित ऊंटों का काफिला विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। This is really good experience, this new train. First time in our life. We've been almost 45 country. But this is a really good experience. And inside the train, and we are now in Jaisalmer. And the guy helped me really good. Very nice service. And excellent food too. राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू होते विदेशी सैलानी ढोल नगाड़ों की आवाज पर झूम रहे हैं। देशी ठुमके लगाए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन के पहले फेरे में आए 57 देशी विदेशी मेहमानों की खुशी साफ झलक रही है। ये पहला फेरा है इस सीजन का और बड़ी खुशी की और हर्ष की बात है कि हम 62 लोग हैं, उसमें से 43 फॉरेनर्स हैं, बाकी आप देख रहे हो NRIs हैं। NRIs को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। आपने देखा डांस करते हुए गए यहाँ वेलकम पे भी, तो उनका अपने देश में एक तो खुशी होती है कि दे आर इन इंडिया और दे आर एंजॉयिंग इट ऑल। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में 4 देशों से टूरिस्ट आए हैं, जिनमें अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूरिस्ट हैं। मेहमानों की राजस्थान यात्रा को यादगार बनाने के लिए खासा तैयारी की गई है। इस दौरान इन विदेशी मेहमानों को राजस्थान की लोक संस्कृति से परिचित कराने के साथ साथ राजस्थान के खास किस्म के व्यंजन परोसे जाएंगे, जिन्हें ये कभी नहीं भूलने वाले। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।